हारी का फॉर्म फॉर्म होता है कि परफॉर्मेंस से हार जीत कोई मान नहीं रखती, स्पोर्ट्समैनशिप फर्म होती है। जीजू जी फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो गधा मंगा रखी है वो पहलवान बाद में ही आ जाएंगे स्टेज पर, उनको गधा दी जाएगी और फोटो सेशन होगा। दो नंबर का जो पहलवान है भाई डोलू भाई थारी गधा ले रखे हैं, वो गधा लिए गधे पर लेकर जाए भाई। दो नंबर के पहलवान डोलू भाई गोपाल नागर जी के पास अखाड़े में पहुंच जाए जी, अखाड़े में आ जाए भाई, अखाड़े में पहुंच जाए गधा दोनों ही पहलवान। आपको डोलू पहलवान सुनिए लोगों, इस कुश्ती के अंदर जो पहलवान गोटे पहने हुए हैं निकब बोलते हैं इसको, गोटे की पट्टी है काली, वो पहलवान हर के साथ हंसते है। कुश्ती का 6 मिनट का समय समाप्त हो चुका है और दूसरा पहलवान है हितेश पावरोली रणवीर का अखाड़ा, दोनों ही भाग के श्री मल है, कई बार भारत केसरी बढ़ चुके हैं, हिंद केसरी बढ़ चुके हैं, बराबर और कांटे का मुकाबला है। तो कम आईटी का फैसला था वो मैं अवगत करा दूं, जो पॉइंट में कुश्ती की हमने कल बात की थी, 75% जीतने वाले पर 25% हारने वाले को, जीतने वाले को गधा। बहुत ही सुंदर फैसला, ये कुश्ती आर पार की हुई पॉइंटों की, हमने कल ये फैसला लिया था पूरी कमेटी ने, कुश्ती हम दो नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आर पार कराएंगे, तो उसमें 3 ऐसे जीतने वाले पहलवान को और 1 ऐसा हारने वाले को कल का हमारा ये पूरी कमेटी का फैसला था। उसके पहली और दूसरी के दोनों पहलवान इसी हिसाब से इनको इनाम दिया जाएगा, जीतने वाले को गधा दी जाए। पहलवान जी साथ साथ हम अपनी पब्लिक का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, ये सुबह से कितनी शांति से और प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी यहाँ आए हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इनके बगैर तक कुछ सहना, देखो जी इस गेम में दर्शकों का कोई जवाब नहीं, किसी भाई ने कोई शोर नहीं किया, जिस गेम में भी इतने दर्शक नहीं मिल सकते हमें, दर्शक खत्म हो जाते हैं जिस गेम में वो पढ़ाई खत्म हो जाते हैं, और इस कुश्ती के दर्शक बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, जवाने बहुत हैं, हम सारी पब्लिक दोबारा से हमें धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आप इस दंगल में पहुंचे, इसकी शोभा बढ़ाई, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद हमें समस्त अनुसूचनाओं की तरफ से, आपने जो सहयोग दिया है ये हमें हमेशा याद होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई रास्ता छोड़ दे और आगे से बैठ जाओ, ज्यादा अंदर ना जा सकते ना, ये लाइनिंग यहीं पे है, लाइट बढ़ा ली, अब लाइट कम है, या है मेन कुश्ती जाएगा, जो पहलवान डिफेंस करेगा और जो अटैक करेगा, जो डिफेंस करेगा उसके उसको चिल्टी दी जाती है और 30 सेकेंड में उसको फिर पॉइंट बनाना, दूसरे पहलवान का पॉइंट बन जाएगा। मीनू पहलवान जी ये जो आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हिस्सा करा है ये कौन सी कुश्ती का है? ये पहली दूसरी दो का है, तो भाई वो दो वाले को तो भाई पहले बताना चाहिए था, इसने अकेले को दे दिया जीतने वाले को, वो पहले बता दिया था कल भी हमारा आप जब भी फैसला हुआ था अब इसका वो केवल उन कुश्तियों का था जो आर पार पॉइंट ही करवानी थी, तो आप बता देना अब उसके लिए क्या करो, वार्निंग है हितेश के लिए, वो पहले कल भी फैसला जरा से भी क्या, लेकिन अब तो भाई इसकी क्या गलती है, इसको इसको डिसीजन कराओ, 100 ऐसा उसको दो और 3 ऐसे उसको दो, अगर पहलवान खेल भावना है उस पहलवान से रिक्वेस्ट है, एक पहलवान अगर उसको ज्यादा दे दिया वो इंसानियत के नाते पैसे को वापस दे, दोनों पहलवान जी इंसान नहीं बनाएगा तो हर के इस पहलवान का मथुरा वाले का अपने आप पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय आप दोनों आपने पॉइंट नहीं देना बस, दोनों पहलवान एक बार कम नहीं किसी मेरे भैया, हर के इस पहलवान कह रहे हैं मैं तो आज तक पॉइंट के लगाए नहीं हूँ, आज लड़के देख भाई कदे तो लड़ाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है
हमारे वर्ल्ड रेसलिंग के नियम है, हमारे सच्ची सच्ची हल्के 6 मिनट के अंदर। वेरी गुड, अरे तालियां बजाओ, कितनी मजेदार, इतनी बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट, दो पॉइंट हितेश पहलवान ने लिए। समय समाप्त हो गया कुश्ती का, 2 मिनट 12 सेकेंड नहीं पकड़ो पहलवान भाई, दौड़ो पहलवान एक बार कमाइटी से मजे। भाई इसे पर से राजेश पहलवान अगर आया हो, जय भगवान को सम्मान लेना चाहते हैं हमसे। एक इसे पर से राजेश पहलवान भाई, 2 जीरो का शकोर है, हितेश के 2 है और केस की 0। पहलवान हितेश आप भी पकड़े, अगर आप पकड़ेंगे तो आपके भी 2 पॉइंट होंगे। हाँ, और अगर 2 पॉइंट आपके, जिसका स्कोर बाद में होता वही जीतता, बराबर स्कोर। हाँ, आप पकड़ने की कोशिश, ठीक है भाई साहब, भाई ने बताया कि आधा समय समाप्त हो गया भाई, जय भगवान को साहब नहीं ये हो गया, और 2 पॉइंट और भाई वो डोलू अगर आवाज सुन लिया होता, अरे भाई भाई कमेंट रही से कमेटी से मैं वहां पे आप भी बोल सकते हो, और बढ़िया भाई पट्टों को लग रहे हो बढ़िया, और एक पॉइंट हितेश तो सर, एक पॉइंट हर भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि शांति से, एक पॉइंट हितेश भाई, कभी कभी पहले बाहर पहले बाकी पकड़ो भाई, फिर पकड़ो भाई, लगभग 2 मिनट का समय बाकी। भाई सफल दंगल के लिए 2 मिनट का समय और है, पहली कुश्ती का डिसीजन आ जाएगा। सारी कमेटी को, गोपाल नागर जी को सफल दंगल भाई, ले लिया और केस जमा कर दिया भाई, बहुत शानदार। 2-4 वोटों का स्कोर है भाई, 1 मिनट के करीब समय बच रहा है, 1.5 मिनट का समय भाई। तेज नंबर हर केस के ना हितेश और केस के भाई, चेतन नाम का और चिराग नाम का लड़का कहीं भी हो गेट पे चला जाए भाई, उसको रिविजन ले लिया भाई। इन्होंने बड़ा बड़ा दुआ को कहीं जरा कण की बात नहीं करी, एक और पॉइंट वाले हर केस का, एक और 3 और स्कोर वाले, 3 और केस के, 4 केस के, बच्चे का मुकाबला लो तो कुछ भी हो सकता है। कुश्ती का 1 मिनट का समय बाकी, सुन लो भाई, अगर 4-4 का स्कोर हो गया तो 2 पॉइंट तो भी ये जीतेगा, 2 पॉइंट कोई देश जीतेगा, 5 पॉइंट बना रहे पड़ेंगे हर केस ने, नहीं तो हर केस हार जाएगा। तेरे को नहीं पता कि रूल है ये, क्योंकि तो 2 पॉइंट 2 बार लिए है और हर केस ने 1 पॉइंट 3 बार लिए है। आजकल सारा अंधेरा इस बात का, सारे लीग को देखा है, फिर भी किसी ने टीवी टाली ना ऑर्डर दे दिया, उसकी ये 25 सेकंड रह गए, सिर्फ 20 सेकेंड बाकी, नहीं तो हितेश पहलवान विजयी हो जाए इस कुश्ती में। 4 पॉइंट है, टाइम हो गया जी, और कुश्ती समाप्त, विजय ने हितेश पहलवान, हितेश जीत गया भाई। सभी दर्शकों का, सभी कोचों का।